आरजे मेवाश की हुई बिग बॉस में एंट्री। अभिषेक और मनीषा ने पूजा को बताया शो में अनडिजर्विंग। कल बिग बॉस के लाइव फीड में हमने देखा आरजे मेवाश की एंट्री होती है और वो सभी घर वालों से एक एक करके बातचीत करती हुई नजर आती हैं। वहीं सभी घर वालों की आरजे धूम मचा देने की बात भी कह रही होती है, जिसके बाद मेवाश सबसे पहले बेबिका को बुलाती है। मेवाश बेबिका से उनकी जर्नी के बारे में भी पूछती है। बेबिका इस जर्नी को रोलर कोस्टर राइड बताती है और अपने आप को अंडरडॉग कह रही होती है शो के अंदर। वहीं बेबिका अपने दिल की बात मेवाश को बताती है कि वो दिन उन्हें सबसे बुरा लगा था जब इस घर से साइरस गए थे। बेबिका कहती है कि मनीषा का यहाँ होना उन्हें अच्छा नहीं लगता है, टॉप फाइव के अंदर वो उन्हें डिजर्विंग नहीं मानती। बेबिका कहती है कि मनीषा में एक चार्म था जब वो शो में आई थी, लेकिन शो में आते ही वो चार्म खत्म हो गया। बेबिका मनीषा की पर्सनैलिटी के शो में आते ही फ्लिप हो जाने की बात भी कहती है। बेबिका मनीषा को की गेम प्ले को भी काफी ज्यादा अगली कह रही होती है। वही बेबिका एल्विश की ट्रॉफी डिजर्व करने की बात कहती है। अपने अलावा बेबिका कहती है कि अभिषेक ने उन्हें शो में काफी ज्यादा परेशान किया है। वही बेबिका अभिषेक को एक गाना भी डेडिकेट करती है। मेवाश मनीषा को बुलाती है बिग बॉस रेडियो में और उनका वेलकम करती है। मनीषा बिग बॉस को अपना ड्रीम भी बताती है और अपने वन पीस होने की बात कह रही होती है। मनीषा अपना सपना पूरा हो जाने की बात कह रही होती है सलमान खान से मिलने के बाद। मनीषा अभिषेक को इस घर से जाने के बाद काफी ज्यादा मिस करने की बात भी कहती है। वही मनीषा एल्विश को भी मैसेज देती हुई नजर आती है। बेबिका को मनीषा थाली का बैगन कहती है और भी मुहावरे घर वालों को डेडिकेट करती हुई नजर आती है। वही मनीषा यहाँ से जाने के बाद सुनना सीख जाने की बात कह रही होती है। मनीषा पूजा के डिजर्विंग न होने की बात तक कह देती है। वही मनीषा पूजा को कम कॉन्ट्रीब्यूशन इस शो में दिखाई देने की बात कहती है। मनीषा रिजेक्शन वाले दिन को बदलने की बात भी कह रही होती है और पूजा को बापूस सेहत के लिए हानिकारक गाना भी डेडिकेट करती है। मेवाश एल्विश से उनकी जर्नी के बारे में बातचीत करती है। एल्विश कहते हैं कि वो स्टार्टिंग में नहीं आए थे, इस बात को उन्हें डेली इधर पर याद दिलाया गया। वही एल्विश अपने घर में इम्पैक्टफुल होने की बात कहते हैं और अपने आप को डिजर्विंग बताते हैं वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट होने के बावजूद भी। एल्विश बेबिका के लेस डिजर्विंग होने की बात कह रहे होते हैं। वहीं एल्विश अपने अलावा अभिषेक को ट्रॉफी देने की बात कह रहे होते हैं। एल्विश बेबिका को भी सॉन्ग डेडिकेट करते हैं। वहीं एल्विश बेबिका को दो नाम डेडिकेट करते हुए भी नजर आते हैं और मनीषा को अजनबी कहते हैं। एल्विश यहाँ आकर ये समझ जाने की बात कहते हैं कि वर्ड्स पर भी कंट्रोल करना होता है और अपने गुस्से पर भी। वहीं पूजा कहती है कि वो यहाँ पर बिना किसी मास्क के आई थी। पूजा कहती है कि वो जिया के साथ हुई अपनी लड़ाई को चेंज करना चाहेंगी पास में जाकर। पूजा अपने आप को मिले डोमिनेशन का एग्जाम को भी गलत कह रही होती है। पूजा सबके दिल में जगह बना लेने को ही बात से काफी ज्यादा खुश होती है। वही पूजा घर वालों को मुहावरे भी डेडिकेट करती है। पूजा कहती है कि शो में उन्हें बेबिका ने सबसे ज्यादा परेशान किया है। अभिषेक बहुत कुछ इस शो से सीखने की बात कह रहे होते हैं। वही अभिषेक कहते हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली को काफी ज्यादा मिस किया। अभिषेक पूजा के से भी काफी कुछ सीखने की बात कह रहे होते हैं और अपने घर के बाहर विलन दिखाई देने की बात कहते हैं। अभिषेक एल्विश मनीषा और अपने आप को टॉप थ्री में गिनते हैं। वहीं अभिषेक सभी को डिजर्विंग बता रहे होते हैं। अभिषेक भी पूजा के कम कंट्रीब्यूशन इस शो में होने की बात कहते हैं, जिसके बाद पूजा कहती है कि उन्हें ट्रॉफी पहले ही मिल चुकी है और उन्होंने यहाँ रिश्ते बनाए हैं, यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। पूजा एल्विश के हाथों में ट्रॉफी देखने की बात कहती है क्योंकि एल्विश के आने से शो में जान आई थी। अभिषेक अपनी और अविनाश की लड़ाई टिकट को फिनाले टास्क के दौरान जो हुई थी उसे चेंज करने की बात कहते हैं पास में जाकर। अभिषेक अपने अलावा एल्विश और मनीषा को फिनाले जिताने की बात कहते हैं और उससे खुश होने की बात भी कहते हुए नजर आते हैं। वहीं अभिषेक अपना गाना भी सुनाते हैं। अभिषेक बेबिका को सारे मुहावरे डेडिकेट करते हैं, जिसके बाद बेबिका कहती है कि अभिषेक उनसे ऑब्सेस्ड है। आरजे सभी को एक बैड न्यूज देने की बात कहती है कि आज ही टॉप थ्री कौन है वो डिसाइड हो चुका है इस शो के अंदर। वहीं किसी दो कंटेस्टेंट्स का सफर यही खत्म हो गया है। आरजे मेवाश ये भी कहती हुई नजर आती है। वहीं मेवाश सभी की तारीफ कर रही होती है और सब बाहर उनसे काफी ज्यादा प्यार कर रही है बात कहती है। वहीं बेबिका और एल्विश का सफर यहीं पर खत्म हो चुका है, ये बात मेवाश कहती हुई नजर आती है। जैसे एल्विश और अभिषेक पहले ही समझ जाते हैं कि ये प्रैंक चल रहा है, सभी इसे प्रैंक बताते। वहीं मेवाश अपने साथ बेबिका और एल्विश को लेकर जाने की बात भी कहती हुई नजर आती है। वेल, आपका अभिषेक और मनीषा की पूजा के लिए कहीं इस बात पर क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।